वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, ये पहले से इन दोनों जगहों पर अच्छी खासी भीड़ है। वैसे एक बात तो है, हीट वेव भी घर से बाहर निकलने के क्रेज को कम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल हुसैन, लेकिन एहतियात के तो बरतने के लिए बहुत जरूरत है कि अगर आप परिवार के साथ में वाटर पार्क या स्विमिंग पूल जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को आप वहां लेकर जा रहे हैं, ऐसे में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, सावधानी बरती जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में बहुत से बैक्टीरिया पनपाते हैं जो इस मौसम में सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, नहाते तैरते वक्त ये बैक्टीरिया कई बार नाक के जरिए, मुंह के जरिए आपकी बॉडी में चले जाते हैं और फिर शुरू होती है टाइफाइड, कॉलरा और वायरल हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी परेशानियां। सबसे खतरनाक बात यह है कि दूषित पानी से 24 घंटे के अंदर लीवर पूरी तरह से फेल भी हो सकता है। बिल्कुल, वैसे भी WHO के मुताबिक दुनिया में 80% बीमारियों की बड़ी वजह गंदा पानी है, और तभी तो लैंसन की रिपोर्ट ही कहती है कि 8 में से 1 की मौत के पीछे किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन है। अगर साफ सफाई का ख्याल रखा जाए तो लो इनकम वाले देशों में हर साल 7.5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। चलिए, हमने सिर्फ आपको आगाह किया है, डरा बिल्कुल नहीं रहे। बिल्कुल। तो पानी से किस तरह से परेशानी हो सकती है, तैरने वाले पानी तक की सफाई को लेकर लोगों को हमने आगाह किया, और साथ में योग के जरिए लीवर की हिफाजत कैसे की जाएगी ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताकि लोग तैरने का मजा भी ले सकें और बीमार भी ना पड़े दूषित पानी की वजह से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी श्रुतिका जी, हुसैन भाई, और ठीक कह रहे थे आप कि गंदे पानी में तैरने से, नहाने से आंखों में वो गंदा पानी जाता है तो आंखों का भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। मुंह में वो पानी जाता है जब तैरते हैं, और यदि पानी स्वच्छ ना हो, हमने तो ये जो योगग्राम निरामयम का स्विमिंग पूल है इसको स्वच्छ रखा हुआ है, लेकिन ये स्वच्छता सब जगह तो होती नहीं है, और उसका कारण ये होता है कि आँखों का भयंकर इन्फेक्शन, पेट का भयंकर इन्फेक्शन, डायरिया, उल्टी, दस्त, और फिर लीवर में जैसे हुसैन भाई ने कहा कि इन्फेक्शन इतना तेज भी हो सकता है कि 24 घंटे में भी आपका लीवर फेल हो सकता है। एक बार की भूल, एक बार की जरा सी चूक जिंदगी भर के लिए एक भयंकर दर्द पीड़ा दे सकती है, आपको मौत के मुंह में भी धकेल सकती है। लेकिन यदि स्वच्छ पानी में तैरते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है, तो ये सावधानी तो रखनी पड़ेगी। पानी की गंदगी से 80% रोग होते हैं, ये भी श्रुतिका ने कहा है। वैसे इन सब बातों के साथ ये भी सच है कि जल जीवन है, और उसी जल रूपी जीवन का आनंद ले रही है हमारी बहनें यहाँ पर, सरिता जी, मेधा जी, कलावती जी, और हेमलता जी, सुनीता, उर्मिला जी, सबको पानी में उतार दिया, पूजा जी, और इनके, हाँ, पूजा साध्वी देवार, देवप्रिया जी, देवारपणा जी, ये पूरी टोली है हमारी, देवार पिता जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक सच लेकिन ये भी है, ये जल में, हाँ मैंने भी देखा, ये तो नया अवतार सी लग रही है, चलो तैरो, खूब आनंद करो, हाँ, लेकिन ये स्वच्छ पानी है, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। स्वामी जी देखिए, एक सच ये भी है कि इन गर्मियों में घर के बच्चों की जिद वाटर पार्क जाने की, उसके आगे पेरेंट्स थोड़ा मजबूर हो ही जाते हैं, और एक सच ये भी है कि वाटर पार्क का पानी स्वच्छ होगा इस बात की बहुत कम गुंजाइश है। तो स्वामी जी, गर्मी में जान बचाने के लिए पानी बहुत जरूरी, लेकिन कई बार दूषित पानी जो वाटर पार्क वगैरह में होता है वो जान पर उसकी वजह से बन आती है, और लैंसेट की रिपोर्ट भी ये कहती है कि साफ सफाई का ख्याल अगर रखा जाए तो 7.5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो सुस्ती भगाने वाले योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये भी समझाइए कि ये जो साफ सफाई का ख्याल है ये कैसे रखा जाए, अगर वाटर पार्क जा रहे हैं तो, स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो। देखो, एक तो होले होले तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करना है, जिनका लीवर ज्यादा ही डैमेज हो गया है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन,
और बाकी जिनको तैरना आता है, वैसे कुछ तो मत्स्यावतार हैं जिनको बहुत अच्छे से तैरना आता है, और जो पिछले जन्म में मछली की यात्रा पूरी करके आए वो हमारी तरह से बिना सिखाए ही तैरने लग जाते हैं। और स्वच्छ पानी में अब देखो, आपने जो बात कही ना, ये तो योग के वो अभ्यास मैंने बता दिए जिनको लीवर की, फैटी लीवर, लीवर सिरसिस, लीवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस आदि की बहुत ही क्रोनिक, और बार बार जिनको पेट की कोराइटिस की, कॉन्स्टिपेशन की, पैस प्रेशर फिस्टुला की दिक्कतें होती हैं, उनके लिए सहज आसन बता दिए स्वामी जी। लेकिन इसके साथ साथ एक तो तैरें,